asking. I am not on salary anymore. I think सैलरी वो जस्ट मतलब मैं एसएडल में ज्वाइन कर रहा था तभी मैंने सैलरी डिमांड की थी, क्योंकि मुझे इतना बाहर से पता नहीं चलता था एसएडल में आके क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता. आई थिंक 9-10 महीने के बाद मेरी सैलरी खुद ही मतलब इररेलेवेंट हो गया था वो अमाउंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक यहाँ पे इतना कमाने के बाद एक पॉइंट पे आई जस्ट स्टॉप टास्किंग फॉर इट, वैसा हो गया था. इतना सैलरी मांगा था यार, एग्जैक्ट अमाउंट तो बता नहीं सकता, बट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं था. आई मार्केट रेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा अमाउंट था वो, काफ़ी अच्छा नहीं, अच्छा अमाउंट था मार्केट रेट्स के हिसाब से, अच्छा अमाउंट था. इमीजिएटली जो मैंने डिमांड किया था थक भाई मान भी गए थे, देर वॉज नो नेगोसिएशन. मैंने एक्स अमाउंट मांगा, थक भाई गोल्डी मैंने बोल दिया था येस ओके डन आ जाओ. सैलरी क्यों पूछना, हाँ सैलरी मतलब कोई बताएगा नहीं आपको ओपनली. कुछ कुछ चीज़ें मैं चलो बता देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि उस दिन एक बार मैंने कैसे एक दिन में 7-8 लाख रुपए उड़ा दिए थे. दैट वाज इन आई थिंक इट वाज इन सितंबर या अक्टूबर का महीना था लास्ट ईयर का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सितंबर या अक्टूबर, नहीं नहीं उसके भी पहले वाले साल का था वो, 2021 में मैंने ज्वाइन किया ना, 2021 का अक्टूबर नवंबर का महीना था जब मैंने एक दिन में उतने उड़ा दिए थे अपने पेरेंट्स और मॉम और भाई और नानी वानी के ऊपर. बहुत कुछ लिया था मैंने.